आज अर्थशास्त्र का जो पहला वाला चैप्टर है हमारा भाग एक का वैश्विक अर्थशास्त्र एक परिचय, इसके अंतर्गत मैं आपको समझाना चाहूंगी। देखिए बच्चों, अर्थशास्त्र जो है वो दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग आपका कहलाता है वैश्विक अर्थशास्त्र और दूसरा वाला जो भाग है वो कहलाता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो वैश्विक से ध्यान रखिए, मतलब जो अर्थशास्त्र के अलग अलग पहले अलग अलग अर्थशास्त्री जो आए उन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं बनाई और उसके आधार पर अर्थशास्त्र को उसका विस्तृत वर्णन किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे अर्थशास्त्र में आधुनिक विचारधाराएं आई, फिर कई साधनों को लिया गया, अर्थशास्त्र के विभागों का वर्णन किया गया और साथ ही साथ अर्थशास्त्र की क्रियाओं को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, जिसमें से एक कहला रहा है आपका वैश्विक यानी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे पहले से ही कि वैश्विक यानी व्यक्तिगत इकाइयां, विशिष्ट फर्में, विशिष्ट उद्योग, छोटी इकाइयां, सूक्ष्मचर, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो है आपका वैश्विक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा भाग है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, जब वैश्विक अर्थशास्त्र के हमने दो भाग बताए हैं यानी दो क्रियाएं अलग अलग कार्य के आधार पर जब बट गया तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी समस्त का अध्ययन कर रहा है, कुल का अध्ययन कर रहा है, तो वो भाग हो गया, वो पोर्शन हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए एक अर्थशास्त्र को यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हर क्षेत्र का हर पहलू जो है हमको उसको समझना आवश्यक है। तो कुछ छोटी इकाइयां होती हैं, कुछ बड़ी और बहुत विस्तृत इकाइयां होती हैं। तो हमको कई बार छोटी इकाइयों पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है ताकि हमारा निर्णय जो है उसमें कोई छोटी से छोटी चीज भी छूट न जाए। ठीक उसी प्रकार जो समष्टि यानी समस्त का अध्ययन जिसमें किया जाता है, कुल का अध्ययन किया जाता है, बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है यानी कुल क्षेत्रों का अध्ययन किया जा रहा है, कुल आय का अध्ययन किया जा रहा है, कुल रोजगार का अध्ययन किया जा रहा है यानी कुल टोटल समस्त उसका अध्ययन जब किया जाता है, तो कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जब हमको कार्य करना होता है तो हम कुल के आधार पे करते हैं, होता है कि हम एक सूत्र लेके चलते हैं और उसको तोड़ के हम उसको निकालते हैं, हल निकालते हैं। एक बार क्या होता है छोटी छोटी क्रियाओं को लेके चलते हैं और सूत्र तक के सूत्र का निर्माण हम कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जो अर्थशास्त्र है ये जो दो भाग है आपके वैश्विक और समष्टि, तो वैश्विक में हमको ध्यान रखिएगा बच्चों समस्त वैश्विक में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना है हमको, और छोटी इकाइयां मतलब उसमें देखिए व्यक्तिगत इकाइयां होगी, किसी यदि हम साधनों को ले लेते हैं श्रम पूंजी इन सब साधनों का अलग अलग अध्ययन किया जाएगा, छोटी छोटी फर्में हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। तो ये सारी क्रियाओं का अध्ययन करेंगे हम वैश्विक अर्थशास्त्र में। तो अब शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र में कौन कौन सी क्रियाएं ली जाती हैं, वे क्रियाएं आप देखिए बहुत सारी, मनुष्य जो जन्म लेता है उसमें बहुत सारी क्रियाएं करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के ढेर सारी क्रियाओं के माध्यम से वह अपने क्रियाकलाप दैनिक जीवन जीता है। तो इसमें वे क्रियाएं जो धन से संबंधित है वे सारी आर्थिक क्रियाओं को वैश्विक अर्थशास्त्र के अंतर्गत लिया जाएगा। देखिए एक क्रियाएं होती है आर्थिक क्रियाएं, एक क्रिया होती है अनार्थिक क्रियाएं, और ये क्रियाओं का अध्ययन आप कक्षा 11वीं में भी आप विस्तृत रूप से इसको पढ़े हैं, है ना, कि क्या आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो बेस हमारा स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं कि क्रियाएं जो है, जो क्रियाएं धनोपार्जन से संबंधित होती हैं वो क्रियाएं कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं। इसको हम आर्थिक और अनार्थिक ये दोनों क्रियाओं का हमको अध्ययन करना है, क्योंकि यहां पर आर्थिक और अनार्थिक में अंतर हमको मालूम होना चाहिए। ऐसी क्रियाएं जिनका लेन देन धन से संबंधित होता है, जो कार्य धन कमाने के लिए किया जाता है वो आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाएं संकुचित अवधारणा पर रहती हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाएं विस्तृत अवधारणा देती हैं। देखिए अनार्थिक क्रियाएं विस्तृत कैसे हुई, एक एग्जाम्पल देती हूँ, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक छोटे बच्चे का यानी शिशु का पालन पोषण जब उसकी माता करती हैं, तो वो क्रियाएं हो गई अनार्थिक क्रियाएं, क्योंकि उसके बदले में वह माता जो है किसी प्रकार का धन नहीं चाह रही हैं, वो निस्वार्थ भाव से उस बच्चे का लालन पोषण कर रही हैं कि वह बच्चा मेरा है, ये मेरी जिम्मेदारी बन रही है
है ना, वो अपने एक महिला जो है अपने घर में काम करती हैं, स्वयं के घर का खाना बना रही है परिवार वालों के लिए, यानी स्वयं के परिवार के लिए कुछ कार्य कर रही है, अपने घर का रखरखाव कर रही है, तो ये सारी क्रियाएं, इसमें कहीं से उसको धन नहीं मिल रहा, तो ये सारी क्रियाएं कहलाएगी अनार्थिक। अर्थ यानी धन, यानी धन यहां पर नहीं मिल रहा है, धन की इच्छा से, धन के लोभ से कार्य नहीं हो रहा है। ठीक इसके विपरीत एक आया को नियुक्त किया जा रहा है कि एक आया जो है बच्चे का लालन पालन कर रही है, तो उसके बदले में उसको सैलरी दी जा रही है, उसका कुछ वेतन दिया जा रहा है, तो वो क्रियाएं कहलाएगी अनार्थिक क्रियाएं, क्योंकि उसके बदले में वो कुछ धन अर्जित कर रही है, पा रही है, मतलब वो अपने धन के कारण वह कार्य कर रही है, कि उसकी एक कमाई का जरिया, इनकम का स्रोत जो है, ये कार्य है जिसमें उसकी जिम्मेदारी है उस बच्चे का, शिशु का पालन पोषण करना। ठीक है, उसका वर्किंग आवर्स है, वो उसमें उस टाइम में काम कर रही है और उसके बदले में कुछ वेतन पा रही है। ठीक उसी प्रकार जब घर में सर्वेंट रखे जाते हैं, मेड रखे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके घर का कार्य करते हैं, कुक रहते हैं तो खाना बनाते हैं, या आपके घर का झाड़ू पोछा बर्तन ये सारे कार्य हम करवाते हैं, तो वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, उसके बदले में वह क्या कर रहे हैं, कुछ धन अर्जित कर रहे हैं। तो वह जो धन है, वो धन के कारण, तो ऐसी क्रियाएं जहां से धन प्राप्त हो रहा है, वो सारी क्रियाएं कहलाएगी आर्थिक क्रिया। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया, यदि आपको एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको अच्छे से आर्थिक क्रिया के बारे में लिख सकते हैं विथ एग्जाम्पल, उसके बारे में आप समझाओगे, उसके अलावा उसमें आप उदाहरण भी डालिए, ताकि आपका लिखने का तरीका या आपके नंबर जो है वो कहीं से भी इधर उधर कम ना हो, पूरा अच्छा पॉइंट मिले, यदि एक नंबर के लिए पूछा जाता है तो। और यदि बड़े नंबर के लिए आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो एक बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है, तो उस बड़े क्वेश्चन के लिए अंतर आप तैयार करेंगे। तो अंतर में क्या है, आपको आर्थिक क्रियाओं का देखिए, पहले आपको अर्थ नहीं लिखा आपने, फिर इसके बाद में दोनों के अर्थ लिख लिए, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा है, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो संकुचित अवधारणाओं पर कार्य करती है, क्योंकि एक क्षेत्र सीमित है, लेकिन अनार्थिक क्रियाएं इतना विस्तृत और इतना बड़ा क्षेत्र है जिसको हम छोटा नहीं कर सकते, ये विस्तृत अवधारणा, विस्तृत क्षेत्र है, क्योंकि कई बार कई ऐसे कार्य होते हैं जो मनुष्य सामाजिक अपनी संतुष्टि के लिए समाज में कुछ कार्य करता है, और अपने अपने स्वभाव के आधार पर कह लीजिए, या दूसरों की मदद करना उसको पसंद है, तो इस हिसाब से वो कार्य करता है, तो वो क्या हो गया, विस्तृत क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। कई कार्य जो है वो किसी के अच्छे के लिए करते हैं, कई एनजीओ होते हैं, कोई संगठन होता है, मतलब जहां पैसे नहीं, पैसे का लेन देन वाला हिसाब नहीं हो रहा है, मतलब हम निस्वार्थ भाव से जो कार्य कर रहे हैं, और ऐसे कार्य मनुष्य बहुत सारे करता है, हर कोई ना करे, लेकिन बहुत लोग इन सब कामों में भी जुटे रहते हैं बिना स्वार्थ के, तो वो सब क्रियाएं जो होती है वो बहुत बड़ी क्रियाएं होती हैं, तो ये अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आ रही, इसके इसलिए इसको हम विस्तृत क्षेत्र कहेंगे। फिर आर्थिक क्रियाएं जो है वो मानव निर्मित होती हैं, और अनार्थिक क्रियाएं जो है वो प्रकृति के द्वारा निःशुल्क उपहार भी होता है, मतलब कुछ हम प्रकृति की मदद के माध्यम से भी उसके रूप में भी हमको उसको मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल का एक अलग पॉइंट बनाएंगे, तो इस प्रकार से चार पांच पॉइंट आप लिख सकते हैं, कम से कम चार पॉइंट तो आप अच्छे से इसके लिए लिख सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार क्या आते हैं, मतलब यदि प्रश्न, ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री लिखिए, तो विषय सामग्री लिखने के लिए जब पूछा जाता है, तो अर्थशास्त्र के पांच विभाग, और ये पांचों विभाग यानी आर्थिक क्रियाएं भी आ गई। आर्थिक क्रियाएं में क्या आता है, आपका उत्पादन है, विनिमय है, वितरण है, ठीक है, तो ये सब आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आ गया। और विषय सामग्री में भी क्या आ गया, आपका पहला पॉइंट आता है आपका उपभोग, उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा थर्ड आपका आ जाएगा विनिमय, फोर्थ आपका आ जाएगा
वितरण, और पांचवा जो है ये है राजस्व। ये अर्थशास्त्र की विषय सामग्री हुआ। और आर्थिक क्रियाओं के प्रकार में बोला जाए तो ये हमारा ये चार चीजें आ जाएगी आपकी, एक उपभोग, उत्पादन, विनिमय, और एक चौथा पॉइंट आता है निवेश, वो आएगा आपका आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। ये तीन जो है ये सेम पॉइंट रहेंगे, और जो चौथा पॉइंट हो जाएगा वो होगा आपका निवेश। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका उपभोग। उपभोग का क्या तात्पर्य है? जब किसी वस्तु की आवश्यकता हमको महसूस होती है तो उसको क्या करते हैं, हम उसको मार्केट से लेकर आते हैं, धन देकर हम लेके आते हैं, और उसके बाद में उसका प्रयोग करके उससे संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अधिकतम संतुष्टि हमारा उद्देश्य होता है कि कोई भी वस्तु के लिए हमने जितने पैसे दिए हैं उससे ज्यादा हम संतुष्ट हो कि इतने पैसे दिए हैं तो उतनी उपयोगिता हम उससे प्राप्त कर ले। तो उपभोग यानी वस्तु का उपयोग जो किया जा रहा है वो कहला रहा है उपभोग। ये आर्थिक क्रिया का पहला भाग या अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का फर्स्ट पॉइंट। फिर आता है आपका उत्पादन। पहले उपभोग आया मतलब पहले व्यक्तियों की जरूरतें निर्माण हुई, हमको जरूरत है तब तो जाके हमको लगेगा कि हाँ हमको ये वस्तु चाहिए, यदि ऐसा होता तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर पाते, या इस तरह से ये कोई वस्तु होती तो हम बेहतर तरीके से कर पाते, यानी उपभोग की धारणा पहले आएगी। ये आएगी आपकी आवश्यकता पर डिपेंड होगी, और उपभोग आ गया तब आपका आएगा सेकंड उत्पादन। उपभोग की यानी मांग निकल रही आई है, मांग के आधार पर पूर्ति होगी यानी उत्पादन निर्माण होगा। तो उपभोग मतलब वस्तुओं की आवश्यकता हमको निर्माण करेंगे हम, उसके बाद में मतलब आवश्यकता मांग हो रही है, फिर उसके बाद में उत्पादन किया जा रहा है। उपभोग उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, उपभोक्ता यानी हम सभी जो वस्तुएं खरीदते हैं। उत्पादन जो है किसके द्वारा किया जाता है? जो कंपनी होती है, फर्म होती है, या उत्पादक होते हैं वह उत्पादन करते हैं, यानी जिस वस्तु की मांग की जा रही है या जिस वस्तु की आवश्यकता है तो ये चीजों का उत्पादन किया जा रहा है। तो देखिए अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में पहला उपभोग, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मतलब कितने लोग हैं और फिर उस हिसाब से उनको कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होगी, ये उपभोग, ठीक है, सब आर्थिक क्रिया से रिलेटेड है। फिर उत्पादन, उत्पादन अब कितना उपभोग होना है, कितने व्यक्ति हैं, कितनी आवश्यकता है, किस प्रकार की वस्तुएं हैं। वस्तुओं के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, विलासिता की वस्तु है, अनिवार्य वस्तुएं हैं, या आपकी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तु है, मतलब वस्तु को कैटेगराइज किया जाएगा किस प्रकार की वस्तु है और किस प्रकार की वस्तुओं की ज्यादा डिमांड रहती है, ज्यादा लोगों को आवश्यकता रहती है, उस हिसाब से यहाँ उत्पादन कार्य होगा। और उत्पादन कार्य किनके द्वारा होगा? उत्पादन के पांच साधन, ध्यान रखिएगा, उत्पादन के पांच साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये भी चीज आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। उत्पादन के पांच साधन, या अभी याद रखे, हमेशा आगे के चैप्टर में भी आपको ये चीजें बार बार टकराएगी। जैसे अर्थशास्त्र के पांच विभाग है, क्रम ध्यान रखिए, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ठीक उसी प्रकार उत्पादन के भी पांच प्रकार हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। तो ये सारी चीजों के माध्यम से उत्पादन होगा। श्रम कौन दे रहा है? मनुष्य, हम सब कार्य करने वाला मनुष्य हैं। तो उन सब के माध्यम से क्या होगा? वस्तुओं का निर्माण होगा यानी उत्पादन होगा। फिर आया विनिमय। विनिमय के अंतर्गत वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाएगा, एक्सचेंज मतलब दिया जाएगा, कि वस्तुओं का लेन देन किया जाएगा। अब लेन देन करने के लिए दो चीजें यहाँ पर निर्धारित की जाती है। विनिमय के अंतर्गत दो चीजों का निर्धारण किया जाएगा। पहला है कीमत निर्धारण, वस्तु का कीमत निर्धारण, ध्यान देंगे आप लोग, वस्तु की कीमत निर्धारण। लेन देन करने के लिए जो वस्तुएं बनाई गई है वो कितने मूल्य की है, तो उसका यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत कीमत निर्धारण किया जाएगा।
तो वस्तु का कीमत निर्धारण और साधन का कीमत निर्धारण। अब देखिए साधन किसको बोला गया है, उत्पादन के जो मैंने पांच साधन बताए उन्हीं का साधन, साधनों का, साधन का कीमत निर्धारण। यानी मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी कितनी होनी चाहिए, पूंजी पर ब्याज कितना होना चाहिए, ये सारी चीजों का निर्धारण कहाँ किया जाएगा, विनिमय क्षेत्र के अंतर्गत। विनिमय से आप लोग ध्यान रखिए लेन देन करना, क्रय विक्रय करना, जो वस्तुएं बनाई गई हैं उसको लोगों तक के पहुंचाना, उपभोक्ताओं तक के, उत्पादक का काम है उपभोक्ता तक के वस्तु पहुंचाए, तो ये क्षेत्र हुआ विनिमय का। फिर आपका आ जाता है, देखिए ये वाला चीज आ गया आपका अर्थशास्त्र के तीन विभाग। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत चौथा पॉइंट आता है निवेश। आर्थिक क्रिया में निवेश का मतलब क्या हुआ, देखिए निवेश का मतलब होता है जब व्यक्ति कमा रहा है, सब वस्तुओं का लेन देन कर रहा है, उत्पादन कर रहे हैं, उसके पास आमदनी आ रही है, साधनों का कीमत निर्धारण है, जो आमदनी आ रही है उसके माध्यम से आय की कुछ, आय का कुछ हिस्सा वो क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, निवेश कर रहा है। देखिए बचत अलग चीज है, निवेश अलग चीज है। अब निवेश को यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसने कोई मशीनरी खरीदी जो वो कार्य करता है। मान लीजिए एक कपड़े सीने वाला दर्जी है, वो क्या कर रहा है, मशीन, सिलाई मशीन खरीद रहा है। अब उसने मान लीजिए 10,000 की सिलाई मशीन खरीदी, अब वो 10,000 उसने क्या लगाया, सिलाई मशीन में लगाया, तो उसने वो निवेश किया। अब निवेश कैसे होगा उसका, क्योंकि वो भविष्य से उसी कार्य से उसी मशीन के द्वारा और पैसे कमा रहा है, तो इसलिए उसने क्या किया, उसका निवेश किया। तो ये आर्थिक क्रिया आ गई है भविष्य के लिए, उसके पास में और पूंजी तैयार हो रही है उस पूंजी के माध्यम से। तो ये जो चार पॉइंट है ये आ गए आर्थिक क्रिया के, और विषय सामग्री के ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट। और चौथा पॉइंट ध्यान दीजिए वितरण। वितरण, वितरण मतलब जो उत्पादन के साधन हैं उन तक के सही रूप से सारी चीजें वितरित हो, यानी जो साधन कीमत है जो निर्धारण हुआ है, साधनों की कीमत निर्धारण हुआ, यानी भूमि का स्वामी भूमिपति को कितना मिलना चाहिए, ठीक है, पूंजीपति को कितना ब्याज मिलना चाहिए, श्रम को मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, यानी जो प्राप्त हुई है जिस प्रकार से पूंजी है, पूंजी का बंटवारा या जो चीजें हैं सभी जगह बराबर रूप में बांटा जाए, वितरण यानी बांटना। तो सभी को जो धन है वो समान रूप से यानी सही तरीके से कार्य के अनुरूप उनको वितरित किया जाए, ये हुआ विषय सामग्री का चौथा पॉइंट। फिर पांचवा पॉइंट है राजस्व। राजस्व मतलब सरकार की आय, राजस्व राजा की आय, राजा कौन है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी प्रजातांत्रिक देश है, प्रजा के द्वारा चुना गया, चुनी गई सरकार है। तो राजस्व मतलब सरकार की आय, सरकार के पास में आय कैसे आएगी, तो सरकार के पास जो टैक्स वगैरह जनता भरती है उस रूप में सरकार के पास पैसा इकट्ठा होता है, इसी पैसे का सरकार जो है सार्वजनिक व्यय करती है। सार्वजनिक व्यय यानी चिकित्सालय खोल रही है, रोड बना रही है, फिर आपको शिक्षा की सुविधा दे रही है, कई प्रकार के सार्वजनिक कार्य जो किए जाते हैं सरकार जो है इन्हीं राजस्व के माध्यम से करती है। राजस्व में टैक्स जो है, कर जो है, दो प्रकार के, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर ये आपने कक्षा दसवीं में सभी लोगों ने पढ़ा होगा इनकम टैक्स के अंतर्गत, है ना, वाणिज्यिक गणित के अंतर्गत इनकम टैक्स के सवाल आय कर के बनाए होंगे आप लोगों ने। तो देखिए उसमें क्या है, जो आयकर है, संपत्ति कर है, ये कहलाता है प्रत्यक्ष कर, यानी जिस व्यक्ति पर लगाया गया उसी व्यक्ति को उसका भुगतान करना होगा, तो वो हो गए आपके प्रत्यक्ष कर, ये कर भी दिए जाते हैं। और अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर, जब भी कोई मार्केट से हम कोई वस्तु लाते हैं, खरीदते हैं, तो उस वस्तु के बदले में जो वस्तु का जो मूल्य होता है, जो मूल्य हम चुका रहे हैं, उसमें कर का कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ रहता है। हमको नहीं पता चलता है कि हमने कुछ टैक्स उसमें कुछ कर डाला है, क्योंकि उसके मूल्य में वो चीज शामिल है, तो इस प्रकार से इसलिए इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर। तो जैसा व्यक्ति की जरूरतें हैं, जितना व्यक्ति जिस हिसाब से वस्तुएं खरीदता है उस हिसाब से टैक्स चुकाता है। यदि हम छोटी वस्तुएं खरीद रहे, कम वस्तुएं खरीद रहे, तो कम टैक्स पे कर रहे हैं। अब उसी प्रकार बड़े बड़े मनोरंजन क्लब में जा रहे हैं हम, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं हम, बाहर खाना वगैरह खाने जा रहे,
होटल वगैरह में, वहां पर भी टैक्स पे करना होता है, बिल में वो टैक्स अलग से दिया होता है। और वर्तमान में तो एक कर योजना चल रही है जीएसटी, है ना, तो ये सब जगह पे, हर जगह पे ये चीजें दी जाती हैं। तो यही जमा जो होता है कर का भाग, वही राजस्व होता है। तो बच्चों ये है आपकी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अब आते हैं हम, ये आपकी आर्थिक क्रियाओं के प्रकार भी हो गए 4 पॉइंट और अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के 5 पॉइंट। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एक अलग प्रकार से भी बताई गई है कुछ कुछ अर्थशास्त्रियों के परिभाषाओं के अनुरूप। यानी सबसे पहले अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ जी की परिभाषा क्या है, धन से संबंधित है, तो उनको भी शामिल किया गया कि धन संबंधित परिभाषा आई। फिर आए मार्शल जी, मार्शल जी ने क्या किया है, तो उनकी परिभाषा कल्याण संबंधी परिभाषा रही, तो उनकी विचारधाराओं के आधार पर कार्य हुआ। देखिए धन संबंधी परिभाषा की आलोचना हुई तब मार्शल की परिभाषा आई, फिर मार्शल की परिभाषा की कुछ कमियां देखी गई तो फिर रॉबिन्स की परिभाषा आई। रॉबिन्स की परिभाषा के को कहा गया है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। फिर कुछ विकास जनित परिभाषा आई, वो सैमुएलसन की थी। इस प्रकार से अनेक अर्थशास्त्रियों जो है अपने विचारों को प्रकट किए, तो इनको भी विषय सामग्री के अंतर्गत कहा गया है। लेकिन प्रश्न यदि पूछा जाता है तो विषय सामग्री आधुनिक विचारधाराओं के अनुसार ये 5 कैटेगरी हमको ध्यान रखना है, इस 5 कैटेगरी को आपको लिखना है। अब देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र एक चीज और है, अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है। तो यदि हम देखते हैं कि कला मतलब क्या है, किसी कार्य को सुव्यवस्थित करने के तरीके, यानी एक प्रणाली होती है कोई भी कार्य करने की। हम सीधा, यदि हमको सीढ़ी चढ़ना है तो सीधा पहले से हम आखिरी सीढ़ी पे पैर नहीं रखेंगे, एक कला है किस तरह से आपको चढ़ना, पहला पैर उसके बाद दूसरा, यानी एक स्टेप बाय स्टेप हमको काम करना है सुव्यवस्थित तरीके से। किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से बनाना, उसको प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें, मतलब एक क्रम में चलना, बहुत अच्छी तरीके से हमको कार्य करना है सुव्यवस्थित तरीका, तो उसमें निपुणता लाना, कुशलता लाना, ये सब कार्य होता है कला का। ठीक उसी प्रकार विज्ञान, विज्ञान क्या है, आपको कारण देता है, जो कारण जानने की कोशिश करता है, उसके परिणाम और उसके परिणामों की व्याख्या करता है। यानी प्रत्येक का तर्क ऐसे ही काम नहीं होता है, आप सूत्रों के आधार पर करते हैं, कहीं ना कहीं आप हेल्प लेते हैं। यदि कुछ कारण है तो ये कारण क्यों आया है, मतलब आपके पास में वहां लॉजिक होगा, तर्क होगा, किसी ने प्रत्येक कार्य के पीछे उसका कारण होगा कि इस कारण ये कार्य किया जा रहा है, इन सूत्रों के माध्यम से ऐसे कार्य होगा, सूत्र होंगे कई सारे। तो ठीक विज्ञान भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो कारण और परिणामों की व्याख्या करता है और विशिष्ट इकाइयों का, विशिष्ट गतिविधियों का वर्णन करता है, विशिष्ट सूत्रों के आधार पर कार्य करता है, सभी जगह कार्य करता है। तो अर्थशास्त्र भी उसी प्रकार से कार्य करता है, अर्थशास्त्र में भी कारण है, परिणाम है, उसकी परिणामों की व्याख्या है। ठीक उसी प्रकार आपको कई चीजें जो है गणितीय व्याख्या की जाती हैं, उसमें सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजों के आधार पर हम कहेंगे कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये परिभाषा ध्यान दीजिए, प्रोफेसर गोल्डिंग ने ये परिभाषा दी है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा पर आप ध्यान देंगे, ये परिभाषा लिखी हुई है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर गोल्डिंग के अनुसार, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, विशिष्ट व्यक्ति कीमतों, मजदूरियों, आयों, विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये परिभाषा हुई। तो ये परिभाषा के आधार पर आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का, विशिष्ट फर्मों का अध्ययन किया जाता है, छोटी छोटी इकाइयां, सूक्ष्म चर, इनका अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन कर रहा है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कर रहा है, व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन कर रहा है, मतलब क्योंकि यह विशिष्ट व्यक्ति, व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति कितना श्रम कमा रहा है, एक व्यक्ति को कितना श्रम मिलना चाहिए, न्यूनतम उसकी जरूरत क्या है, उसके आधार पे उसका अध्ययन किया जाएगा कि एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। जैसे एक व्यक्ति को खाने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो ये सब चीजों का निर्धारण किया जाएगा। उसके लिए उसको कम से कम कितना वेतन पाना चाहिए कि उसकी जरूरतें पूरी हो जाए, तो इस आधार पे यहां तक की छोटी इकाइयों तक अध्ययन।
सेकेंड पॉइंट इसका सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सूक्ष्म चर कौन से हुए इसमें? सूक्ष्म चर यानी ऐसे छोटे चर जिनका महत्व हम नहीं जान रहे हैं, यानी देखिए हम व्यक्ति की इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार से खाने की चीजें लगेगी या उसको क्या आवश्यकताएं हैं, तो उस आधार पर हम उसको कह सकते हैं कि व्यक्ति की जरूरत क्या है, उसके परिवार के सदस्य क्या है, मतलब हर छोटी छोटी चीजों का अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा और उस आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएंगे। तो सूक्ष्म चरों का अध्ययन, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इसका कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत अभी हमने आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत मैंने बताया आपको कि जो थर्ड पॉइंट था आपका विनिमय, विनिमय में दो चीज था कि वस्तु का कीमत निर्धारण और सामान्य साधन का कीमत निर्धारण। तो कीमत सिद्धांत जो है मतलब यहाँ किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है, किसी साधनों का कीमत निर्धारण यानी मांग का आपका पूंजी का निर्धारण, ब्याज का निर्धारण किया जाएगा, यहाँ पे श्रम का निर्धारण किया जाएगा, उन सारी चीजों का साधन के सिद्धांतों का यानी साधनों का भी कीमत निर्धारण और साथ ही साथ वस्तुओं का भी कीमत निर्धारण किया जाता है। तो ये कीमत सिद्धांत इसकी विशेषताएं हैं जो समष्टि में नहीं होगी, अन्य क्षेत्र में नहीं होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूर्ण रोजगार की मान्यता। ये पॉइंट भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि इस आधार पे हम बहुत सारी चर्चा भी करेंगे आगे। पूर्ण रोजगार की मान्यता, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या बोल रहा है? वो पूर्ण रोजगार की बात कर रहा है, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सब व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, है ना। उनका हमने सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया, व्यक्ति की इकाइयों का अध्ययन किया और सबको कहीं ना कहीं रोजगार में लगा दिया, यानी पूर्ण रोजगार होना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता पर कार्य करता है। तो ये हो गई इसकी विशेषताओं के चार पॉइंट, है ना बच्चों। इसको अच्छे से आप ये वाले पॉइंट्स भी याद रखेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसके महत्व देखिए। महत्व, महत्व में क्या है? वहां पर भी विशेषता और महत्व के कुछ पॉइंट सेम आ जाएंगे। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। जहां हमने उसकी विशेषताएं देखी वो पर्टिकुलर हमने व्यष्टि से संबंधित कार्य देखे। अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी पूरे अर्थशास्त्र के दो क्रियाएं जो है उसके संबंधित लिखेंगे, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल मतलब बताया आपको कि किसी कार्य करने के लिए हमको हर छोटी बड़ी चीज को देखना होता है, मतलब छोटी इकाइयों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और बड़ी चीजों को भी हम छोड़ नहीं सकते। बड़े को तो लेके चलना ही हमको, लेकिन छोटी इकाइयों को हम नहीं छोड़ सकते। तो पूरी अर्थव्यवस्था को जब हमको कार्य करना है पूरी अर्थव्यवस्था पर, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यानी छोटी छोटी इकाइयों को छोटी छोटी चीजों को लेके चलता है जिसके माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त, ध्यान रखेंगे ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत आवश्यक है, उपयुक्त है, क्योंकि अर्थशास्त्र की दो क्रियाओं के आधार पर छोटों का अध्ययन करना जरूरी है तो बड़ी इकाइयों को भी देखना जरूरी है। तो ठीक उसी प्रकार अब इसका दूसरा पॉइंट है आपका आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। जितनी भी आर्थिक समस्याएं होगी तो उनके निर्णय में सहायक। आर्थिक समस्याएं, जब हम व्यष्टि की बात कर रहे हैं पूरी आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं तो आर्थिक समस्याएं भी होगी, जब कार्य किए जा रहे हैं तो कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। मतलब मान लीजिए उनको सही तरीके से मजदूरी नहीं मिल रही है, सही वस्तुओं का जो है सही मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, तो ये आर्थिक समस्याएं हुई। यदि किसी को व्यक्ति को कार्य के अनुरूप पैसा नहीं मिल रहा है या उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो वो आर्थिक समस्या हो गई। तो आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक, तो गवर्नमेंट जो है जब यहाँ पे मूल्य निर्धारण किया जाता है, कीमतों का निर्धारण किया जाता है, तो उनके निर्णय में आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फिर इसका,
आर्थिक नीति के निर्णयन में सहायक। पहले हमने समस्या देखी और समस्या के बाद यहां पर आर्थिक नीतियों के निर्णय में सहायक, फिर नीतियां बनाई गई, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उसी आधार पे कि देखिए एक व्यक्ति को किस प्रकार का, देखिए वो भी हमने निर्धनता के अंतर्गत पढ़ा हुआ है ना, क्या पढ़ा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है, शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी है, तो शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी है। तो ये सारी चीजें देखिए जब हम एक छोटी इकाइयों पर अध्ययन करते हैं तब हमको पता चलता है हाँ इतना आवश्यक है, मतलब एक व्यक्ति के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए उनको इतनी कैलोरी के लिए कितने धन की आवश्यकता है, न्यूनतम मजदूरी उसकी कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां निर्माण की जाएगी, उसका निर्णय लिया जाएगा। तो आर्थिक नीतियों के निर्णय में सहायक। समस्याएं देखी, समस्याओं के बाद निर्णय लिए जाएंगे और निर्णय के आधार पर नीतियां बनाई, मतलब नीतियां बनाई जाएगी और नीतियों में निर्णय उसको अच्छे से लिए जाएंगे। फिर आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण, आर्थिक कल्याण शर्तों का निरीक्षण। अब देखिए हर जब पूरा देश केंद्र जो केंद्र सरकार जो होती है वो पूरे देश को लेके चलती है, पूरे राज्यों को लेके चलती है, तो आर्थिक कल्याण शर्तों का निरीक्षण। तो यदि कोई राज्य बोल रहा है कि हमारे स्टेट में हमको ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, हमको ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि हमारा राज्य ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो आर्थिक कल्याण किन क्षेत्र में ज्यादा होना चाहिए, कौन सा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किसकी क्या शर्तें होगी, ये सारी चीजों का पहले निरीक्षण किया जाएगा, उस हिसाब से आर्थिक कल्याण किया जाएगा। तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि ये वेस्टी के अंतर्गत, क्योंकि हम छोटी छोटी इकाइयों से ऊपर पहुंच रहे हैं, जहां देख रहे हैं यहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कम आमदनी हो रही है, गुजर बसर नहीं हो रहा है, तो कहां किस क्षेत्र में, तो आर्थिक कल्याण करना है। मान लीजिए उस क्षेत्र में खनिज संसाधन है तो फिर वहां पे औद्योगिकरण किया जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक कल्याण की शर्तों का निरीक्षण यहाँ पर किया जाएगा और उस हिसाब से सहायता दी जाएगी। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आपका व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक। व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक। व्यक्तिगत इकाइयां मतलब क्या हो गई, वही कि एक व्यक्ति को क्यों कितना न्यूनतम आवश्यकता है, उसकी भोजन की क्या उसकी मेन जरूरत जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उसका मजदूरी कितना होगा, कितने दिवस उसको कार्य होना चाहिए, जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्य चलते हैं, तो ये सब जरूरी हो जाता है कि किसी गांव में किसी व्यक्ति को जो है कम से कम इतने दिन का, न्यूनतम इतने दिनों का उनको कार्य दिया जाए ताकि उसके परिवार का गुजर बसर हो सके। तो इस प्रकार व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायता मिलती है इसी वेस्टी के माध्यम से। इसलिए वेस्टी अर्थशास्त्र सूक्ष्म चरों का अध्ययन, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके ये बेनिफिट मिलता है। फिर है व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक हो गया। फिर व्यक्तिगत इकाइयों के समस्याओं का समाधान में उपयोगी। आर्थिक निर्णय लिया गया, देखिए पहले निर्णय लिया गया फिर उसी पॉइंट को लिखा गया है कि व्यक्तिगत इकाइयों के समस्याओं के समाधान में सहायक। व्यक्तिगत इकाइयों के समस्याओं के समाधान में उपयोगी, मतलब यहां पे क्या देखा है कि उसकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कम हो रही हैं, वो अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, तो उसका समाधान क्या किया कि न्यूनतम इतने दिनों का कार्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो समस्याओं के समाधान में उपयोगी। तो उसी पहले हमको समस्याएं देखनी होगी, समस्याओं के बाद उसका समाधान देखना होगा,
तो पहले आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे, फिर समस्या देख रहे हैं तो समस्याओं के समाधान का निराकरण यहाँ पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गए इसके महत्व। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं या दोष कह लीजिए। अब देखिए, सिर्फ व्यक्तिगत, सिर्फ छोटी इकाइयां, तो हम छोटी छोटी इकाइयां, छोटी छोटी समस्याओं में इतना उलझ के रह जाएंगे कि हम बड़े तक के पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम पहले इस पे, जैसे हमको कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, हम अपना सब सामान वगैरह लेके चल रहे हैं, पहली जगह देखे तो अरे यहाँ पे ये काम है वो काम है, मतलब हमको पहुंचना है कि दो दिन में हमारा टारगेट है, दो दिन में हमको कहीं किसी खास गंतव्य पे पहुंचना है, लेकिन इतनी रुकावटें, इतनी बाधाएं हैं कि आप उसका कार्य कर रहे हैं, उसका कार्य कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, इसका निराकरण कर रहे हैं, ये सब कार्य करते करते आपका जो लक्ष्य था ना ऊपर, वहां पे दो दिन में वहां पहुंचने का, वो उससे ही आप दूर हो जाएंगे। अरे जाने दो, पहले इसी को देख लो। तो मेन चीज जहां पहुंचना है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो चीज आप दूर हट जाओगे। तो ये चीज देखिए दोष है। अब उसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, पहला जो पॉइंट है इसका यही लिख देंगे, केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, केवल व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से हम बाकी सब चीजों से दूर होते चले जाएंगे तो वो उपयुक्त नहीं है। हमको सिर्फ व्यक्तिगत इकाइयों के साथ साथ हमको बड़ी इकाइयों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। फिर अवास्तविक मान्यताएं, सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिए इसका, अवास्तविक मान्यताएं। इसकी जो मान्यता थी वैश्विक अर्थशास्त्र की, पूर्ण रोजगार की मान्यता थी। आप खुद कल्पना कीजिए, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में क्या पूर्ण रोजगार संभव हो पाएगा? तो इसलिए ये अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, यानी इसकी जो मान्यताएं जो बोल रहे हैं वो एकदम संभव नहीं लगती है, तो इसलिए इसको कहा गया अवास्तविक मान्यताएं। ठीक है, तो ये अवास्तविक मान्यताएं। फिर वेस्टी निष्कर्ष जो है, इसके माध्यम से जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं, यानी वेस्टी के अंतर्गत जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं वो समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त, समग्र यानी पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है। छोटी इकाइयों के लिए ठीक है, लेकिन यदि हम समग्र यानी पूर्ण, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बोला जाए, तो सिर्फ यदि हम वेस्टी का अध्ययन करते हैं तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह समस्त वेस्टी निष्कर्ष जो है समग्र अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं होगा। फिर है आपका संकुचित अध्ययन। देखिए ये क्या करता है, संकुचित अध्ययन कर रहा है। किस प्रकार से? क्योंकि आप छोटी छोटी इकाइयों पे जा रहे हैं, हम बड़ों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है संकुचित अध्ययन। जबकि हमको पूरे देश को लेके चलना है, यदि हम अपने परिवार तक के उलझ गए, हम अपने गांव तक की समस्याओं में रह गए, तो हम देश की बात कहाँ कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम राज्य तक के पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको एक राज्य नहीं, हमारे देश में इतने सारे राज्यों को लेके चलना है, सबकी समस्याओं को देखना है, सबको देखना है, इतनी बड़ी जनसंख्या को हैंडल करना है, इतने लोगों की जरूरतों को पूरा करना है, तो संकुचित में, वेस्टी में तो हम संकुचित रह गए, छोटे ही इकाइयों में अपने ही क्षेत्र में रह गए, तो इसलिए यहाँ अध्ययन जो कैसे कहलाएगा, संकुचित अध्ययन। फिर पांचवा पॉइंट है अव्यवहारिक, अव्यवहारिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये छोटा अध्ययन दे रहा है, मतलब सबका पूरे का ध्यान नहीं रख रहा है, तो इसलिए इसको कहा गया है अव्यवहारिक। अब ये चीजें इसके दोष हो गए, इसके दोष इतने ही हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसके दोष हो गए, इसकी विशेषताएं हो गई, विशेषताएं हमने पढ़ी चार, उसके बाद में इसकी महत्व देखिए, और उसके बाद दोष, ये अलग अलग से अच्छे से कीजिएगा। अब फिर आता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ये आप इस चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, और एक दूसरा चैप्टर आता है भाग दो का समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, वहां पर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने व्यष्टि को पढ़ा है वैसे ही हमको समष्टि को पढ़ना होगा। अब देखिए मेन अंतर तो यही ध्यान रखिए, यदि ये संकुचित अध्ययन बोल रहा है तो वो विस्तृत अध्ययन जाएगा, ठीक है, वो ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कर रहा है तो वो कुल इकाइयों का अध्ययन करेगा, कुल रोजगार का, कुल आय का अध्ययन करेगा। ठीक उसी प्रकार
वहां यहाँ पर जो है कीमत सिद्धांत का कार्य किया जाता है, तो वहां राष्ट्रीय आय निकाली जाएगी। तो इस प्रकार से इसके जो अंतर है आपकी बुक में दिया है, चाहे तो आप इसको अभी कर सकते हैं। और इस देखिए इस यूनिट से भी ये पूछा जा सकता है, और समष्टि अर्थशास्त्र का जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें से भी इसको पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसके बारे में अच्छे से आप विस्तृत रूप से पढ़िए और पूरे क्वेश्चंस इसको नोट्स के रूप में तैयार कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, विषय सामग्री वाला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। फिर अंतर आप देखेंगे आर्थिक अनार्थिक क्रियाओं का, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, विशेषताएं, महत्व और दोष, ये चीज आपको करना है यहां से। तो आज अच्छे से पढ़िए बच्चों इसको, और अच्छे से इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए।